दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने जब से कैशलेस इंडिया को प्रमोट करना शुरू किया है तभी से हम डिजिटल पेमेंट्स के नए नए प्लेयर्स देखते आ रहे हैं और उन्हीं में से एक भारत पे भी है जो कि लॉन्च होने के सिर्फ 4 साल के अंदर $2.8 बिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस कर गया था। आज के समय में देश के अलग अलग शहरों से 75 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स भारत पे की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। साथ ही आज भारत पे को देश की टॉप 5 फिनटेक कंपनीज में भी शुमार किया जाने लगा है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इतने कम टाइम में इस क्राउडेड मार्केट के अंदर भारत पे ने किस तरह अपनी जगह बनाई। लेकिन अभी हाल ही में इस कंपनी के साथ कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी सामने आई जिससे इसकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। दरअसल भारत पे कंपनी में एक स्कैम सामने आया जिसमें कंपनी के फाउंडर और एमडी अश्नीर ग्रोवर को दोषी बताया जा रहा है। यहां तक कि इन विवादों के चलते अश्नीर ने कंपनी में अपने सभी पदों से रिजाइन भी कर दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत पे के बिजनेस मॉडल और इससे जुड़े स्कैम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया में डिजिटल पेमेंट कंपनीज की कहानी उस समय शुरू होती है जब 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी। 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दरअसल गवर्नमेंट के उस अनाउंसमेंट से रातों रात देश की लगभग 86% कैश करेंसी इनवैलिड हो गई थी और लोग ऑनलाइन पेमेंट को अपनाने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय पेटीएम ऐप लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम आया था क्योंकि पेटीएम क्यूआर कोड के जरिए छोटे से छोटे दुकानदार को भी पेमेंट किया जा सकता था और यही वो समय था जब इस मार्केट में कई और प्लेयर्स ने भी एंट्री ली। अब दोस्तों एक तरफ जहां लोग इस नए कैशलेस सिस्टम को धीरे धीरे अपना रहे थे वहीं आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट शाश्वत नकरानी ने इस सिस्टम की 2 बड़ी खामियों को खोज लिया था। इसमें पहली कमी ये थी कि उस समय क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन करना पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्मार्टफोन में फोन पे ऐप है और दुकानदार के पास पेटीएम क्यूआर कोड है तो आप चाह कर भी उस दुकानदार को पेमेंट नहीं कर पाते और मजबूरी में आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि पेमेंट एप्लीकेशंस कस्टमर से तो कोई ट्रांजेक्शन फी चार्ज नहीं करते थे लेकिन मर्चेंट से वो हर एक ट्रांजेक्शन पर मिनिमम 1.5% का कमीशन लेते थे। यानी दोस्तों 500 रुपए की सेल करने पर अगर एक मर्चेंट को 40 से 50 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें से उसे 1.5% यानी 7.5 रुपए चुकाने पड़ते थे और ये छोटे दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और दोस्तों इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 20 मार्च 2018 के दिन शाश्वत नकरानी और उनके पार्टनर अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने सबसे पहले चीज ये की कि वे इसमें यूपीआई स्टार फीचर लेकर आए और एक भारत एक क्यूआर के नाम से उन्होंने इसका कैंपेन रन किया। यानी दोस्तों भारत पे के क्यूआर कोड को किसी भी दूसरे ऐप जैसे पेटीएम और गूगल पे से स्कैन करके उसमें पेमेंट सेंड की जा सकती थी। और केवल इतना ही नहीं उन्होंने ट्रांजेक्शन को मर्चेंट और कस्टमर दोनों के लिए फ्री कर दिया। इसके अलावा इसमें मर्चेंट्स के लिए एक बड़ा बेनिफिट ये भी था कि जहां दूसरे वॉलेट्स पेमेंट सेटल करने में मिनिमम 2 दिन का समय लगाते थे वहीं भारत पे में ये काम सिर्फ 24 घंटे के अंदर होने लगा। इन कमाल के फीचर्स के चलते हजारों मर्चेंट्स ने भारत पे के लॉन्च होते ही उसे अपनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इसका यूजर बेस लाखों के आंकड़े को क्रॉस कर गया। अब दोस्तों सवाल आता है कि अगर भारत पे किसी भी ट्रांजेक्शन पर कमीशन नहीं ले रहा था तो फिर वो पैसे कैसे अर्न कर रहा था। तो इसके जवाब के लिए हमें कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को समझना होगा। दोस्तों यहीं पर अश्नीर ग्रोवर की एक्सपर्टीज शुरू होती है जिन्हें अमेरिकन एक्सप्रेस और ग्रोफर्स जैसी कंपनी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। दरअसल अश्नीर ये बात जानते थे कि रिटेल इंडस्ट्री में मार्जिन काफी कम होता है, ऐसे में मर्चेंट्स पर कमीशन चार्ज करके अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाना इम्पॉसिबल है और इसलिए उन्होंने रेवेन्यू जनरेशन का एक ऐसा तरीका खोजा जो उनसे पहले शायद किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों वो तरीका था छोटे मर्चेंट्स को बिजनेस लोन प्रोवाइड करना। दोस्तों अश्नीर ये बात जानते थे कि भारत के अंदर करोड़ों छोटे रिटेलर्स मौजूद हैं लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब उन्हें अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो कोई भी बैंक उन्हें आसानी से लोन नहीं देता है। भले ही इन छोटे मर्चेंट्स की बैलेंस शीट कितनी ही हेल्दी क्यों ना हो लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी या फिर कोलैटरल के लिए कोई चीज मौजूद ना होने से उन्हें ये लोन नहीं मिल पाता। अश्नीर ने देखा कि भारत में छोटे मर्चेंट्स को लोन ना मिल पाने का गैप $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है और इसीलिए भारत पे ने अपनी मर्चेंट लेंडिंग सर्विस को लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है कि अगर देश के बड़े बड़े बैंक्स भी इन छोटे मर्चेंट्स को लोन नहीं दे पा रहे थे तो भारत पे में ऐसा क्या खास था कि उन्होंने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा इतनी आसानी से उठा लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उन्होंने इस तरह के अनसिक्योर्ड लोन्स देकर अपने डिफॉल्ट रेट को मेंटेन कैसे किया। असल में दोस्तों यहाँ पे जो चीज भारत पे के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई वो है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम। दरअसल दोस्तों ये एल्गोरिदम भारत पे से जुड़े हर एक मर्चेंट के कैश इनफ्लो और स्पेंडिंग पैटर्न का डेटा अपने पास रखता है। यानी मर्चेंट को भारत पे के जरिए जो पेमेंट रिसीव होती है और मर्चेंट इस ऐप के थ्रू अपनी सप्लाईज के जो बिल चुकाता है वो सारे ट्रांजेक्शन ये एल्गोरिथम फीड करती जाती है। अब जैसे ही कोई मर्चेंट भारत पे ऐप में लोन के लिए अप्लाई करता है तो ये एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उसकी पिछली सभी ट्रांजेक्शन के बेसिस पर उसकी इनकम प्रोजेक्टेड सेविंग्स इन्वेंट्री वैल्यू और इनकम कंसिस्टेंसी का एक एस्टीमेट काउंट करती है और फिर इसी एस्टीमेट से ये डिसाइड किया जाता है कि उस मर्चेंट को लोन दिया जाएगा या नहीं।
फॉर एग्जाम्पल मान लो रमेश नाम का एक मर्चेंट है जिसका कैश इनफ्लो भारत पे के जरिए 3 लाख रुपए पर मंथ है। ऐसे में रमेश अगर 10 या 20 हजार रुपए लोन का रिक्वेस्ट डालता है तो ये एल्गोरिथम उसकी लोन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकती है क्योंकि उनका लोन अमाउंट कैश फ्लो से बहुत कम है। इसी तरह दोस्तों अगर कोई दूसरा मर्चेंट जिसका कैश इनफ्लो 2 लाख रुपए पर मंथ है और वो 2 लाख रुपए के ही लोन का रिक्वेस्ट करता है तो ऐसे सिचुएशन में एल्गोरिथम को ये पता चल जाएगा कि इस लोन में रिस्क काफी ज्यादा है। तो ऐसे में फिर एल्गोरिथम या तो इस रिक्वेस्ट को डिसअप्रूव कर सकता है या फिर उस मर्चेंट को वो लोन हाई इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। यानी किस मर्चेंट को कितना लोन कितने इंटरेस्ट पर देना चाहिए ये सारी चीजें एल्गोरिथम डिसाइड करती है। इस तरह दोस्तों भारत पे आज के समय में इन छोटे मर्चेंट्स को 10,000 से 7 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है जिसे चुकाने का समय 12 महीने और इंटरेस्ट रेट 1.75 to 2.5% पर मंथ के बीच होता है। और दोस्तों ये लोन पर जो इंटरेस्ट लिया जाता है वही भारत पे के रेवेन्यू जनरेट करने का मेन सोर्स है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब प्रॉब्लम आता है कि लोन के पैसे को इंटरेस्ट समेत कैसे वसूला जाए क्योंकि किसी भी लेंडिंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंस्टॉलमेंट कलेक्शन और डिफॉल्ट रेट को मेंटेन करना होता है। और दोस्तों यही वजह है कि लोन रिकवरी के लिए कंपनीज को एक अच्छी खासी वर्कफोर्स सिर्फ पेमेंट कलेक्शन के काम पर लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पे का रीपेमेंट रेट 96% है जो कि इस पूरे मार्केट में बेस्ट है। दोस्तों अब सवाल आता है कि इतने रिस्की और अनसिक्योर्ड लोन देने के बावजूद भी भारत पे ने इस बेंचमार्क को अचीव कैसे किया। दरअसल दोस्तों इसका जवाब है ऑटोमेटिक रीपेमेंट। दरअसल भारत पे ने अपने सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया है कि मर्चेंट को मंथली इंस्टॉलमेंट भरने की जरूरत पड़ती ही नहीं है क्योंकि हर रोज सेटलमेंट से पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मर्चेंट के डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज मान लो किसी मर्चेंट का लोन इंस्टॉलमेंट 9,000 रुपए पर मंथ है और उसका डेली कैश इनफ्लो 10,000 रुपए है तो ऐसे में भारत पे हर रोज 10,000 की जगह 9,700 रुपए का सेटलमेंट करेगी और बाकी के 300 रुपए डेली इंस्टॉलमेंट के रूप में काट लिए जाएंगे। इस तरह से ना तो मर्चेंट्स के ऊपर एक साथ पूरी इंस्टॉलमेंट देने का बोझ पड़ता है और ना ही उन्हें हर महीने इंस्टॉलमेंट को याद रखना पड़ता है और यही वजह है कि आज भारत पे का रिपेमेंट रेट इतना जबरदस्त है। दोस्तों भारत पे अब तक 3 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे चुका है और आज इसकी ये लोन सर्विस देश के 24 राज्य में 11,000 से ज्यादा पिन कोड्स पर अवेलेबल है। इस तरह भारत पे अपनी कमाल की एआई और जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजीज की मदद से छोटे व्यापारियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और यही वजह है कि इतने कम समय में इसे भारत की टॉप फिनटेक कंपनीज में शुमार किया जाने लगा। खैर ये तो बात हुई इस कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस के बारे में, अब हम उस कंट्रोवर्सी को जानते हैं जो अभी हाल ही में सामने आया है। दरअसल हुआ ये कि कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक कॉल रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। इस ऑडियो में भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय के साथ गाली गलौज करते हुए सुनाई दिए थे। पहले तो अश्नीर ने साफ मना कर दिया कि उस ऑडियो में जो आवाज है वो उनकी नहीं है, लेकिन बाद में जब कोटक महिंद्रा बैंक ने उनके ऊपर एक लीगल केस किया तब चीजें पूरी तरह साफ हो गई कि आवाज असल में अश्नीर की ही थी। अब दोस्तों अश्नीर अपनी इस कंट्रोवर्सी से जूझ ही रहे थे कि तभी उनका नाम एक नए विवाद के साथ जुड़ गया। दरअसल भारत पे कंपनी के अकाउंट बुक्स में अश्नीर और उनकी वाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि कंपनी को इसके लिए एक सेपरेट फर्म अल्वारेज एंड मार्शल को हायर करके एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ गई और इस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट निकल कर सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों अल्वारेज एंड मार्शल की इस रिपोर्ट में अश्नीर और उनकी वाइफ माधुरी से जुड़े दो तरह के फ्रॉड सामने आए, जहां भारत पे की तरफ से कई सारे ऐसे एचआर फर्म्स को पेमेंट किए गए थे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिट करते ही नहीं है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन एचआर फर्म्स के नाम से जो फेक इनवॉइसेस कंपनी को दी गई थी वो माधुरी के भाई श्वेतांक जैन ने बनाई थी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा फ्रॉड था फॉल्स पेमेंट का, जहां पाया गया कि भारत पे की तरफ से करीब 51 करोड़ रुपए 30 ऐसे मर्चेंट्स को पे किए गए थे जो रियल में थे ही नहीं और उनका कनेक्शन भी किसी न किसी तरह अश्नीर और उनकी वाइफ के साथ ही जुड़ रहा था। दोस्तों शुरुआत में अश्नीर इन सभी आरोपों को झूठा बताते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एमडी और डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड के दोनों पदों से रिजाइन दे दिया। साथ ही उनकी वाइफ माधुरी को भी उनके हेड ऑफ कंट्रोल के पद से हटा दिया गया। इसके बाद कंपनी ने एक नई स्टेटमेंट इशू की जिसमें कहा गया कि अश्नीर अब इस कंपनी के एम्प्लॉय फाउंडर या डायरेक्टर नहीं है। दोस्तों इस स्कैम के सामने आने की वजह से भारत पे कंपनी के इमेज को काफी नुकसान पहुंचा था। बाकी दोस्तों अब आगे ये देखना है कि भारत पे अश्नीर के बिना सरवाइव कर पाता है या नहीं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।